हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। ये इकलौता चैनल है जो दोनों न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एक साथ कवर करता है, और सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल कवरेज के साथ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कवर करने में सब कुछ मिस कर दिया जाता है। एवरी इम्पोर्टेंट थिंग्स इज कवर्ड इन दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है सैटरडे December 24, 2022। आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे भी है, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे। आज ही के दिन 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, फिर उसे 2019 में अमेंड करके एक नया एक्ट लागू किया गया। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का रेगुलेटर, इसमें कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन 2019 में CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर्म की गई। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन कंज्यूमर कोर्ट वेयर कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क। जहाँ कंप्लेनेंट होता है शिकायतकर्ता, जहाँ वो अवेलेबल है कोर्ट, वहीं से वो शिकायत कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, लोकेशन स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं था। फिर ये कह रहे हैं लाइबिलिटी, एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी इसमें मैंशन की गई, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर दैट। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी पहले। फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे जो आप कंपनसेशन मांगते हैं उसकी मात्रा कम थी, इसमें बढ़ा दी गई अप टू 1 करोड़ इन डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, और अब वो 10 करोड़ इन नेशनल और 1 to 10 करोड़ इन स्टेट। फिर ई कॉमर्स जैसी सिचुएशन नहीं थी 1986 में, जैसा कोई प्रोविज़न नहीं था, और लेकिन 2019 में ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स ऑल्सो। और मीडिएशन सेल्स में नो लीगल प्रोविजंस, और कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, IPL का मिनी ऑक्शन हुआ कल। ये भाई साहब सैम करन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया, और इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है। फिर 81 करोड़ पीपल टू गेट फ्री फूड ट्रेन्स फॉर 1 ईयर। अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पेंडेमिक के सिचुएशन पे आई थी, और उन्हें गरीबों को अनाज देना था सस्ते दाम में, फ्री में देना था। फिर ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ रहा है फिस्कल डेफिसिट का, तो शायद गवर्नमेंट ये कदम ना बढ़ाए। ठीक है, इससे फूड सिक्योरिटी तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए, फिस्कल प्रूडेंस के लिए इसे बंद भी कर सकते हैं दिसंबर के बाद, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। और अब ये कह रहे हैं कि ये अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इन सारे बेनिफिशियरी को मर्ज करके उन्हें सबको एक्सटेंड कर दिया गया है पूरे 1 साल के लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत बायोटेक्स नेसल कोविड वैक्सीन अवेलेबल एज अ बूस्टर। बूस्टर शॉट जैसे करंट अफेयर बूस्टर आता है ना अपना, वो कल नहीं आ पाया, कुछ टेक्निकल इशू था, रिकॉर्ड करने के बाद वॉइस ही नहीं आई। ठीक है, लर्निंग स्टेज है, कोई बात नहीं। नेसल रूट, ये नाक से जैसे आप सांस लेते हैं, ठीक है, विक्स वेपर अब खींचते हैं, वैसे ही ये वैक्सीन को लेना होगा। उसका नाम इनकोवैक, इनकोवैक, ये नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनकोवैक नाम है ये मत भूलिएगा। अब ये पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल है। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेसल वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर यूज़। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ वर्ल्ड में पहला हो जाए फिर तो ये हर एग्ज़ाम में दिखता है। फिर नेसल वैक्सीन BBV145 हैड रिसीव्ड अप्रूवल इन नवंबर फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज़। ठीक, और उसको फिर रीब्रांड करके इनकोवैक कर दिया गया, BBV1454 को इनकोवैक के नाम से जाना जाएगा। किसने बनाया? भारत बायोटेक। ये भारत बायोटेक कहाँ है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, और ये जानकारी किसने दी? ये हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है? मनसुख मांडविया ने कहा, ये इम्पोर्टेंट था। फिर 16 आर्मी मैन किल्ड इन सिक्किम एक्सीडेंट, ये रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, स्लोप में, और 16 जवान मारे गए। ये लॉस है, पर्सनल लॉस है, कितना हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है बॉर्डर एरियाज पे ऐसा लॉस हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये न्यूज़ थोड़ी लोकल है लेकिन इम्पोर्टेंट लगी मुझे। हॉलीडे पैकेजेस, कंटारा टिकट्स फॉर पुलिसमैन विद गुड बिहेवियर। जब हम रिवार्ड पनिशमेंट की बात करते हैं, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन
पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें कैसे मोटिवेशन दिया जाए अपने जवानों को, अपने पुलिसमैन को। ठीक है, इसकी ये बहुत अच्छी पहल है। जो पुलिसमैन अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छा बर्ताव लोगों के साथ करेंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, उनको पूरी फैमिली के साथ ब्लॉकबस्टर मूवी, एक कन्नड़ा आई थी कंटारा, भेजा जाएगा उन्हें मूवी देखने के लिए। तो इम्पोर्टेंट है ये, कहते हैं ना, पिक्चर सेज द 1000 वर्ड्स। आप देख सकते हैं क्या हाल है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रेशर है हमारे कंट्री में बढ़ता जा रहा है, बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ जो लैक डेस्कल अप्रोच है हमारी म्यूनसिपलिटीज़ की, ये सब सीन्स नॉर्मल हो चुके हैं। पूरी पूरी सड़क ही अंदर घुस गई और सारे व्हीकल्स उसी में समा गए। और नेक्स्ट है ये, केरला फार्मर यूजेस यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन हिज प्लांटेशन। तो फार्मिंग में भी ड्रोन्स का यूज होता है, कैसे होता है उसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कैग कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल पुल्स अप डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड फेलियर टू अचीव की पैरामीटर्स। ये रिपोर्ट ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि डीआरडीओ वैसे तो प्राउड ऑर्गेनाइजेशन है, 1958 में ये फॉर्मेशन हुआ था इसका, है ना, ये हमारे देश का प्राउड है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मिसाइल उन्होंने बनाई हैं, पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, अर्जुन एंटी टैंक भी बनाया है उन्होंने। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर चीज़ में ना बहुत डिले हो जाता है। आज भी हम जो इम्पोर्ट है डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह में, जैसे इंसास राइफल है, ठीक है, इंडियन शॉर्ट आर्म सर्विस जो भी है, एक छोटी सी राइफल होती है, बड़ी इफेक्टिव रेंज उसका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ फॉल्ट आए, फिर हमने होविट्जर खरीदना पड़ा यूएस से। तो ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें बहुत सारे वेपन्स, आर्टिलरीज वगैरह सब बाहर से मंगाना पड़ता है। हम डिफेंस इम्पोर्ट में टॉप 3 नेशन में पूरे वर्ल्ड में। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है डीआरडीओ के ऊपर कि ये इतना टाइम ले लेते हैं। ठीक है, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स आर टेकन अप बाय डीआरडीओ आर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूजर्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स विथ अ डेफिनेट टाइम पीरियड फॉर देयर कंप्लीशन। ये जो है ये बहुत बड़ी बात है, कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें एक डेफिनेट टाइम फ्रेम होता है उनके कंप्लीशन में, लेकिन वो भी द फैक्ट दैट एमएम प्रोजेक्ट्स हैव अ वेरी हाई आउटकम सर्टेनिटी ड्यू टू रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वर कंसिडर्ड कंसिडरेबल डिलेज इन इनिशिएशन सेंक्शन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स बाय डीआरडीओ। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो हाई प्रायोरिटी होते हैं उसमें भी डिले हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है मेंशन करने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यूपी एंड तमिलनाडु स्ट्रगल विथ इंक्रोचमेंट। तो सेंट्रली प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारी, ऐतिहासिक धरोहर वगैरह साइट्स, तो वहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण वो रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जो किशन रेड्डी हैं, उन्होंने बताया राज्यसभा में, ऐसी कुछ 356 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इंक्रोचमेंट हो रहा है। और अब नेक्स्ट न्यूज़ है, प्लीज चैलेंजेस पैनल टू एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर दलित कन्वर्ट्स। तो एक रिट पिटिशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है जो कमिटी का, दलित कन्वर्ट जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में चले जाते हैं, उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया जाता, तो क्या उन्हें दिया जाना चाहिए? तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई थी, 3 मेंबर बॉडी, अब वो एग्जामिन करेगी। लेकिन पिटिशनर का ये कहना है कि ऐसा करके सिर्फ गवर्नमेंट ना टाइम बाय कर रही है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कन्वर्ट्स को राइट्स देने का, शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने का। और ये रिट पिटिशन है, रिट पिटिशन क्या होती है कि आर्टिकल 32 और 226 के तहत ये पिटिशन फाइल की जाती है। 32 में सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं और 226 में आप हाई कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप तब जा सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा हो, आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट के लिए तो जा ही सकते हैं, प्लस दूसरे जो लीगल इश्यूज हैं उसके लिए भी रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं अलग अलग, मैंडामस, प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, सरश्योरी। ठीक है, तो ये आप
आज रिवाइज करें जा करके। और हाई कोर्ट इसमें आप देख सकते हैं कि इसका रिट पिटीशन का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के लिए जा सकते हैं। वर्ल्ड अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल्स आफ्टर यूएस साउथ कोरिया वॉर प्लेन ड्रिल्स। तो मैंने जैसे बताया है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइडेड है अपनी आइडियोलॉजी में, लेकिन है ये एक ही नेशन, ठीक है, एक जैसा इनका कल्चर है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि ये इन्फ्लुएंस में है किसी दूसरी दूसरी कंट्रीज के। यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, रशिया का इन्फ्लुएंस है, साउथ कोरिया में यूएस का इन्फ्लुएंस है। तो यूएस और साउथ कोरिया की नज़दीकियाँ इनसे देखी नहीं जाती नॉर्थ कोरिया से। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं वॉर प्लेन ड्रिल यानी एक्सरसाइज की, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने मिसाइलें दाग दी। तो ये होता रहता है न्यूज़ में, इंपॉर्टेंट है कब क्या हो जाए, ये किसी दिन सही में ये न्यूक्लियर वॉर ना कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल रायट्स, पैनल रिपोर्ट सेज ट्रंप लिट दैट फायर। कैपिटल हिल है ये, ठीक है, यूएस में है, वहाँ पे कुछ रायट्स वगैरह हो गए थे, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो एक्स प्रेसिडेंट है उन्हें चार्ज किया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। अथॉरिटीज इन चाइना टेक ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सप्लाइज अमिड कोविड सर्ज। वहाँ चाइना लीप्स एंड बाउंड, वहाँ चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो इसीलिए वहाँ मेडिकल सप्लाइज में भी प्रेशर बन गया है। और नेक्स्ट है फिजीज अपोजिशन अक्यूजेस गवर्नमेंट ऑफ स्टोकिंग फियर टू स्टे इन पावर। फिजी जो इंडियन ओरिजिन के बहुत ज़्यादा एक्सपेट्रिएट्स हैं वहाँ, तो ये भी देखा गया है कि वहाँ कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बाइनी मारामा, ठीक है, उनको एक अनाउंस करना पड़ा मोबिलाइजेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, है ना, कुछ मिलिट्री व्हीकल्स वगैरह देखे गए, तो वहाँ सिचुएशन टेंस है थोड़ा सा, तो फिजी में ये सब हो रहा है। और आपको बता दूं कि फिजी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ फिजी इज ऑल्सो हिंदी। और ये एक खबर रह गई थी कि मे कट ऑयल आउटपुट पोस्ट प्राइस कैप रशिया। रशिया के ऊपर जो प्राइस कैप लगाया गया है $60 पर बैरल, ठीक है, जिसको खरीदना है भाई ये इसी प्राइस में खरीदे रशिया से, सिर्फ रशिया की कमर तोड़ने के लिए था कि ज़्यादा पैसा अगर रशिया को मिलेगा $60 के ऊपर तो वो जो वॉर है यूक्रेन में उसे फंडिंग देगा। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन प्लस G7 कंट्रीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह सब है, इन्होंने मिलकर मतलब डेवलप्ड कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज ने ये बैन इम्पोज किया है। तो रशिया ने कहा है कि डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए ये हम आउटपुट जो है प्रोडक्शन उसको घटा देंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी, ऐसा ये कह रहे हैं। नेक्स्ट, अब सीधे चलेंगे इंडियन एक्सप्रेस में, क्योंकि बिजनेस अफेयर्स में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था आज द हिंदू में। तो इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है ये, आप देख सकते हैं वही खबर हमने देखी, 16 आर्मी मैन किल्ड, ठीक है, ट्रक गिर गया उनका नॉर्दर्न सिक्किम में, ये घटना हुई, प्लेसेस इन न्यूज, जेमा जेमा एरिया में हुआ ये एक्सीडेंट साइट। फिर फॉर 1 ईयर फ्रॉम जनवरी, अगले 1 साल तक गवर्नमेंट जो है फ्री में 81 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन देगी। हम देख ही चुके हैं सब कुछ। फिर इंटरनेशनल वैक्सीन, तो फ्रंट पेज में कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था जो हमने कवर नहीं किया हो। एक्सप्रेस नेटवर्क सब कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। अगली इम्पोर्टेंट, हाँ, काउ डंग टचेज दिए जा रहे हैं स्कूल्स छत्तीसगढ़ में, जो है हॉस्टल्स हैं ट्राइबल एरियाज में, वहाँ पेंट किया जा रहा है, देख सकते हैं आप, ये इसमें गोबर का प्रयोग किया गया है, गोबर के इस्तेमाल से। तो ये अच्छा है कि जब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स, उनके लिए ऐसे इनिशिएटिव बहुत सही रहते हैं कि उनका जो काउ डंग वगैरह प्रोड्यूस होता है कैटल फीडिंग से, ठीक, तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग से निजात दिलाता है और उन्हें कुछ आमदनी हो जाती है। तो ये प्रयोग किया गया है गोधन न्याय योजना, तो स्टेट से भी, लोकल स्टेट से जो स्कीम्स हैं वो भी पूछी जाती हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, तो ये
वन लाइनर में इम्पोर्टेंट था कि ये गोधन न्याय योजना किस स्टेट में लॉन्च की गई, तो छत्तीसगढ़ में लॉन्च की। तो गोबरधन अब निकल गया मुंह से, तो ये ऐसा है कि एक गोबरधन नाम की एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी। इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। तो बायो एग्रो रिसोर्सेस मीन्स बायोगैस बनाने की बात है यहाँ। गोबर से डिफरेंट पंचायत है, ग्राम पंचायत वगैरह, वहाँ गोबर इकट्ठा करके और उन्हें मैकेनाइजेशन किया जाए और बायोगैस बनाई जाए। तो ये स्कीम थी जिससे सफाई भी बनी रहेगी और एनर्जी भी मिलेगी फूड वूड कुकिंग के लिए। तो ये भी इतनी सक्सेसफुल तो नहीं हुई है, बट ये स्कीम है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये इसके अंडर में आती है। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी कि ये गोवर्धन स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अब बोलोगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, नहीं नहीं मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन जो है उसके अंदर आती है। इकोनॉमी सेक्शन में गोल्ड की प्राइस 54,000 के आसपास, रुपी 82, ऑयल 7777, ये कल का ही रेट है। फिर सोशल मीडिया एपिलेट पैनल्स में डील विथ डी प्लेटफॉर्मिंग डेटा इश्यूज, गवर्नमेंट प्लानिंग टू क्रिएट 3 कमिटीज। इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लेकर आए थे, ठीक है, कब? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 में इन्होंने कहा था कि हम एपेलेट बॉडी बनाएंगे। एपेलेट पैनल्स क्या होते हैं कि जैसे कोई रेगुलेटर बना दिया गया किस चीज़ के लिए, टेलीकॉम रेगुलेटर फॉर एग्जांपल, वो रेगुलेट करेगा पूरे सेक्टर को और फिर अपने फैसले सुनाएगा। लेकिन क्या होता है कि इनके फैसलों से भी आप अगर खुश नहीं हैं, आपको ग्रीवांस है, तो आप इनकी हायर अथॉरिटी एपिलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं और वहाँ पे आपकी सुनवाई हो सकती है। और वहाँ से भी खुश नहीं है तो कोर्ट में तो आप जा ही सकते हैं, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। तो ये इनकी बात हो रही है एपिलेट बॉडी। तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया है, अनुमान लगाया है कि डी प्लेटफॉर्मिंग जैसे इशू, डेटा इशूज़ प्रोटेक्शन के लिए, डी प्लेटफॉर्मिंग मतलब आपको जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का वहाँ से नहीं रहना है तो आप अपने डेटा वेटा डिलीट करवा सकते हैं, उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। ऐसे इश्यूज गवर्नमेंट को लग रहा है कि आने वाले हैं और गवर्नमेंट अब 3 कमिटीज उसी लिए बनाने के लिए तैयार है। और वही इशू है, द कमिटीज जो भी बनेंगी आर बीइंग फॉर्म्ड, बन रही हैं टू ऑफर यूजर्स एन एवेन्यू टू अपील डिसीजंस टेकन बाय ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, ठीक, उनका जो ऑफिसर से ग्रीवांस ऑफिसर उनके खिलाफ भी अगर आपको इश्यू है तो आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कहा है, राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने ही कहा है कि अभी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के साथ साथ एक और बिल आने वाला है ओवरऑल जो खाका तैयार करेगा, और वो आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करेगा। और इन्होंने कहा था कि दिसंबर तक आ जाएगा लेकिन अभी तक आया नहीं। तो बता रहे हैं खैर कि मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे जब हम क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर करेंगे। अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे इंडियन सिटीजन राइट टू प्राइवेसी, लॉ एनफोर्समेंट एक्सेस देयर डेटा एंड रेसिप्रोसिटी, कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री भी हमारे साथ वही बर्ताव करे, तो ये रेसिप्रोसिटी कहलाती है। तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे। अब ये न्यूज़ देख के लग रहा होगा कि एक्सप्लेन टाइप का है कुछ, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस, लेकिन ये ड्रोन इंश्योरेंस के बारे में है कि चोरी वोरी चला गया तो कौन, कैसी कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ इंश्योर करती हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन है, तो इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे। अब ये एक्सप्लेन सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस का, तालिबान वॉर ऑन वुमेन, ये हमने कल के एडिटोरियल में बहुत अच्छे से देखा। वही रिपीटेशन है कि जो वादे किए गए थे तालिबान के द्वारा कि नहीं नहीं हम तो कुछ नया लेकर आ रहे हैं, हम तो सुधर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उन्होंने है ना ग्लिमर ऑफ होप दिखाई थी कि स्कूल्स में गर्ल्स को भेजना अलाउ कर दिया था, फिर उन्होंने धीरे धीरे रोल बैक करना शुरू किया और अब गर्ल्स को बहुत सारी जगहों पर जाना बैंड है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाना अलाउड नहीं है। तो एंटी वुमेन मिसोजिनिस्टिक रिजीम है ये तालिबान की, और टेररिज्म तो वहाँ फल फूल रहा ही है।
तो ये सब चीज़ें कल हमने देख ली ऑलरेडी। और फिर उसके बाद ये बेनिन ब्रॉन्ज, अ ग्रुप ऑफ ओवर 3,000 आर्ट वर्क्स फ्रॉम एंशियंट किंगडम ऑफ बेनिन दैट वर बीइंग लूटेड बाय ब्रिटिश, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब चलिए कवर करते हैं एडिटोरियल्स। वर्ल्डली वाइज, ऑपुलेंस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, एन एबंडेंट सप्लाई फॉर एवरी नीड इज नथिंग इज पुट इन द वे ऑफ इट्स कमिंग। एक तो ये बहुत बड़ा सा कोट है, ठीक है, याद भी नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, अब एग्जाम में कहाँ इसको आप साइट करेंगे। टैकलिंग बीजिंग चाइना, ये एडिटोरियल थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है। और टारगेटिंग द सॉन्ग्स, कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रोवर्सी ओवर इकबाल सॉन्ग, ओके इसे भी कवर कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अ मोर एक्सेसिबल हाउस, यस ये इम्पोर्टेंट है। तीन एडिटोरियल हम यहाँ देखते हैं वन बाय वन। ये भी है, लेकिन ये G20 चेयर बहुत कुछ हमने देख ही लिया है, और ये कोविड के बारे में है। अंडर द गाइज ऑफ G20 चेयर ही इज एक्चुअली डिफोल्डिंग दिस कोविड एस्पेक्टर जो है, उसके बारे में ही पूरा आर्टिकल है, तो वो हमने ऑलरेडी बहुत देख लिया है। तो जैसा कि कल न्यूज़ में हमने देखा कि हाई लेवल 17th राउंड ऑफ मिलिट्री लीडर्स जो है ऑफिसर्स, उनकी टॉक्स हुई थी फॉलोइंग द इंसिडेंट ऑफ 9th दिसंबर, जो क्लैश हुआ था, उसके फॉलोअप में अब ये December 20 को ये बातचीत हुई। लेकिन ये आप जॉइंट स्टेटमेंट देखें तो उससे समझ में आ रहा है कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन ऑफ रेमेनिंग इश्यूज एट द अर्लीस्ट, उन्होंने बात की, सजेस्ट दैट देर वॉज नो आउटकम फ्रॉम दिस राउंड, कुछ ऐसा सब्सटेंशियल आउटकम नहीं आया है, बातचीत हम करेंगे, दे सेड दैट। फिर उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट क्लियर दैट इफ द रिमेनिंग इश्यूज हैव बीन एग्रीड अपॉन बाय द बोथ साइड्स, कुछ भी क्लियर नहीं है। और ये शुरुआत जो है डिस्कशन की चाइना की तरफ से हुई है, तो कहीं ना कहीं इसे पता लग रहा है कि चाइना स्टिल होल्ड्स कार्ड, वो हर चीज़ अपने हिसाब से ही बना रहा है, इट होल्ड्स द कार्ड, इन्होंने लिखा, ऐसा इंप्रेशन दिख रहा है। और इसमें ये भी क्लियर नहीं है कि जो 3,500 किलोमीटर्स की जो LAC है, वो जो कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं कुछ, उनमें कहाँ कब कैसी सिचुएशन खड़ी हो जाए, 9 दिसंबर फिर से रिपीट ना हो जाए, डोकलाम फिर से रिपीट ना हो जाए, चाहे गलवान फिर से रिपीट ना हो, ऐसे कुछ भी हमने मैकेनिज्म तय नहीं किया है। और हाईएस्ट लेवल का प्रिपेयर्डनेस की बात की है राजनाथ एस जयशंकर ने कि मिलिट्री वहाँ पर हमारी तैयार है, मुस्तैद है, लेकिन अभी कंट्री को चाहिए कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस मिले, एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करें चाइना जैसी कंट्री के सामने, और डिप्लोमेसी का चैनल जारी रखें। मिलिट्री लेवल टॉक्स तो ठीक है, मिलिट्री प्रिपेयरनेस भी ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। नेक्स्ट है टारगेटिंग द सॉन्ग, ये एक्चुअली इकबाल का सॉन्ग गाया जा रहा था यूपी में, तो वहाँ के लोग जो विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये सॉन्ग रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करता है, तो गवर्नमेंट ने 2 शिक्षकों को बैन कर दिया है, उसी के बारे में थोड़ा सा पॉलिटिकल ज़्यादा है ये। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है अ मोर एक्सेसिबल हाउस, ये शशि थरूर जी जो कांग्रेस सांसद हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया, और उनका ट्वीट था कि मैं अभी स्लिप हो गया सीढ़ियों से पार्लियामेंट की, और व्हील चेयर में आता जाता हूँ, तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि कैसे डिसेबल्ड लोग कैसे फील करते होंगे। तो सही बात है, जब तक आप उस सिचुएशन से गुजरे ना, आपको एक एम्पैथी नहीं हो पाती इतनी जितनी होनी चाहिए, तो ये अच्छा रियलाइजेशन था, इन्होंने एक अच्छे डिबेट को यहाँ पे जन्म दिया। तो ये राहुल बजाज करके राइटर हैं, इन्होंने कहा भाई ऐसी बात तो मैंने December 2021 में ही सबमिट कर दी थी, कहा था, रिकमेंडेशन दिया था पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज को, ठीक है, और उन्होंने बारे में कहा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको सबको पता है, हमें भी पता है। अब शशि थरूर जी ने भी कह दिया कि भाई एक्सेसिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, पार्लियामेंट में नहीं है, तो आप सोच ही सकते हैं देश में क्या हालत होगी। तो ये सब स्किप करके अब सीधे रिकमेंडेशन में आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एडिटोरियल को पढ़ने के लिए ये माइंड में पहले होना चाहिए कि हम एडिटोरियल पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा मेन मकसद है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एडिटोरियल के, सिर्फ वही पढ़ना, क्योंकि इतना सारा सिलेबस भी पढ़ना होता है, स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना होता है, तो ये भी आर्ट है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो पहला इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है कि
बियॉन्ड रीजनेबल अकोमोडेशन, हमें एक रिक्वायरमेंट है कि एवरी न्यू बिल्डिंग एक्सेसिबल हो, इस चीज़ का हमें इंश्योर करना चाहिए और एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए कि अगर आप एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं डिसेबल्स को, तभी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। कंपलसरी लाइसेंसिंग आप बोल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो नेशनल बिल्डिंग कोड में या बायलॉज में ये व्यवस्था होनी चाहिए, पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि पार्लियामेंट मस्ट सेटअप एन एक्सेसिबिलिटी कमिटी, एक कमिटी बैठाए पार्लियामेंट जिसका यही काम हो कि रिकमेंडेशन दे टाइम बाउंड मैनर में एवरी एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली। ये पार्लियामेंट की से शुरुआत हुई ना इसकी, ये शशि थरूर जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक कमेटी हो, एक्सेसिबिलिटी कमेटी, जो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। तीसरा कि प्रोक्योरमेंट जब हो, जब बस वगैरह हम खरीदते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़, तो उसमें भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये एक्सेसिबल हो डिसेबल्ड के लिए। फिर फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज, इसने सुगम भारत ऐप लॉन्च किया था। उसका कहना था कि ये जो दैट इज बिल्डिंग जो इनएक्सेसिबल है, तो डिसेबल्स उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एन भाई साहब ने क्या किया कि उस पर ब्लाइंड अंधा बन के उस पर एक्सेस किया, तो पाया कि वहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल पा रहे हैं, ये जो जेंडर वाली बटन है वो काम ही नहीं कर रही है, ऐप जो है स्टक हो जाता है बीच में, इतना यूज़र इंटरफेस उसका इतना बेकार है। ये बता रहे हैं कि उसको इन चीज़ों को दुरुस्त करना होगा जो डिफिशियंसीज हैं ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट मस्ट टेक द लीड इन इंश्योरिंग दैट एक्सेसिबिलिटी टारगेट्स आर मेट, ये उसका काम ही है डिपार्टमेंट का, तो उनका फंड मैंडेट है उस पर वो काम करें और टाइम बाउंड मैनर में चीज़ें करें। ये एडिटोरियल डिसेबिलिटी एक्सेस के लिए था। अब इंडियन एक्सप्रेस हो चुका है, द हिंदू देखते हैं। द हिंदू एडिटोरियल में ये फाइटिंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हमने जो कल न्यूज़ देखी थी उसी के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कितने इतने परसेंट सर्वाइकल कैंसर है, HPV वैक्सीन आई है उसने, ये प्रॉमिसिंग है, इसका इफेक्टिवनेस है, ये सब चीज़ें हैं, तो फैक्ट समझाने को कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन ये एलिविएटिंग द स्कोर्स ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इसे हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि इंडिया रैंक्स पुअरली ऑन मल्टीपल हेल्थ फाइनेंसिंग इंडिकेटर्स, जो एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ केयर को लेकर, वहाँ इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इट्स पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इज ओनली 1.28% एंड शेयर ऑफ जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के देखा जाए तो उनका शेयर जो है डेडिकेटेड टू हेल्थ ओनली 4.8% रिमेन एकिन टू पुअरेस्ट कंट्रीज। एकिन मीन्स समान, किसके समान है, पुअरेस्ट कंट्रीज जो आती हैं उसके समान है। अब हम विश्व गुरु बनने को तैयार हैं लेकिन इस तरीके का हमारा एक्सपेंडिचर है। फिर ये कह रहे हैं प्राइवेट स्पेंडिंग स्टिल कॉन्स्टिट्यूट नियरली 60% ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, आप और हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, कितने लोग हैं जो सरकारी हॉस्पिटल गए होंगे, लास्ट टाइम कब गए थे आप बताओ आप, तो उसी से ये डेटा निकल कर आया है और ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि डिस्पर्स सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, कैसे कि प्राइवेट जो बॉडीज़ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये इनिक्विटीज़ देखने को मिलती है, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन एरियाज हो, वाइड स्प्रेड मार्केट फेलियर भी देखने को मिलते हैं, ग्रॉस निग्लिजेंस भी है ना, कि पता चला इस पाँव का ऑपरेशन करना था तो दूसरे का कर दिया, दूसरा पाँव काट डाला, ऐसे न्यूज़ भी आती हैं सच में, ये ऑपरेशन करते हुए कोई कैंची छोड़ देता है पेट में, तो ये होता है सरकारी में भी होता है लेकिन प्राइवेट तो ज़्यादा है, देखिए उसकी न्यूज़ ज़्यादा आएगी। तो उनका कोई ओवरऑल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि उन्हें रेगुलेट किया जाए, हालांकि अभी हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस HMOs की बात की गई थी पॉलिसी अनाउंसमेंट में, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। US में एक अच्छी तरीके से मैनेज होता है, मैनेज केयर मॉडल्स हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी होगी प्राइवेट हेल्थ केयर की, लेकिन साथ साथ केयर क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, यानी कि सस्ता कर दिया तो क्वालिटी रिड्यूस हो गई, और पार्टनरशिप भी करना है प्राइवेट प्लेयर के साथ, उनको ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट आप दे सकते हैं, उनके साथ कोलाबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक फंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही पूरा लगा दें,
Rather, we need overarching policies that drive down private healthcare cost. Cost कम हो, quality improve हो, ठीक है? ऐसा कोई extra subsidy वगैरह देने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक? कि हम पूरा फंड वहीं लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, नहीं, उनका रेगुलेशन के थ्रू या किसी भी माध्यम से ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि उनका केयर क्वालिटी इंप्रूव हो, कॉस्ट घटे। जिसमें पहला एग्जांपल तो उन्होंने दिया है कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। आप भी देखें कि किस तरीके से इंश्योरेंस है, कितने एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है, अनरिजनेबल पैकेजेस वगैरह हैं। तो इसका भी अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, कैसे हो जाए कि इंसेंटिवाइज करें और प्रोपोगेट करें ऐसे बिजनेस मॉडल, जैसे बिजनेस प्रोसेस इनोवेशंस लाएं जो हेल्थ केयर लैंडस्केप को कॉस्ट रिडक्शन में मदद कर सके। कुछ फिलेंथ्रॉपिक इनिशिएटिव्स होते हैं, फिलेंथ्रॉपिक मतलब कुछ बड़े लोग, बिजनेसमैन ऐसे हॉस्पिटल समाज सेवा में लगाते हैं कि बहुत कम पैसा लेते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, लेकिन इसको मेन स्ट्रीम पॉलिसी में लाना होगा। इसको इट रिक्वायर्स अ रिसर्च अटेंशन, इस पर बात हो, इस पर डिस्कशन हो, रिसर्च हो और इनिशिएटिव भी लिए जाए। फिर ये कह रहे हैं कि वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर की तरफ चीज़ें जा रही हैं, जहाँ आउटकम ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? मनी स्पेंड हो लेकिन आउटकम भी हो, तो ये एक एविडेंस बैक्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए इसके लिए। और साथ ही साथ अंडर रिसोर्सेस जो सेटिंग्स है उसमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि अगर आपको रेगुलेशन भी लेकर आना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा हो, है ना? अब ये जैसे फॉर एग्जांपल कि इनोवेशंस रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी भी फैसिलिट किए जा सकते हैं इस डायरेक्शन में। और नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021 के जिक्र किया इन्होंने। ये कह रहे हैं कि नर्स जो होती हैं, एलाइड प्रोफेशनल्स पर्सनल जो होते हैं, ठीक, जैसे कंपाउंडर वगैरह, और जिसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भी लोगों को हायर किया जाता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे ग्रामीण इलाकों में तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों का जो प्रैक्टिस का एम्बिट है, विस्तार है, किया जा सकता है, ठीक है? उसको मेन स्ट्रीमिंग की जा सकती है ऐसे प्रैक्टिसेस को, ये आर्टिकल ये सजेस्ट कर रहा है। और ये मेन फोकस इसका है प्राइवेट सेक्टर पे, नो डाउट। फिर ये कह रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोविजन इन सिटीज बी स्पीक्स द स्टार्क फेलियर ऑफ मार्केट इन हेल्थ केयर। वही मैंने जो बात की किस तरीके से निग्लिजेंस वगैरह हो रहा है ना, मार्केट फेलियर वही कहते हैं हम, कि जब आप किसी को रेगुलेटरी पैरामीटर से दूर कर देते हैं, सेल्फ रेगुलेशन में ले आते हैं, वो मार्केट कहलाता है। वो अपने हिसाब से चीज़ें तय करते हैं, प्राइस तय करते हैं, और फिर उससे सिचुएशन जो निकल कर आती है वो मार्केट फेलियर कहलाती है। द बूमिंग नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स इन सिटीज़, सिटीज़ में कितने सारे प्रोवाइडर्स हो चुके, सर्विस प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल्स, हैज़ ओनली सर्व टू ड्राइव अप प्राइसेस। प्राइस ही बढ़ाया है उन्होंने, लेकिन दे आर नेसेसरी एविल, नो नेसेसरी एविल। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अब कुछ कर ही नहीं सकते, अगर वो ज़रूरतें हैं तो उनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। सम कंट्रीज लाइक कैनेडा हैव कंसीव्ड रीजनल हेल्थ बोर्ड दैट ऑर्गेनाइज केयर इक्विटेबली विद इन रीजन्स। कैनेडा में ऐसी शुरुआत हुई है, उन्होंने रीजनल हेल्थ बोर्ड ऐसे इस्टेब्लिश किए हैं जो रेगुलेशन करते हैं। ऐसा कुछ मॉडल हम भी लेकर आ सकते हैं। दे कैन एड्रेस मैनी हेल्थ केयर सिस्टम्स मेलेडीज, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, क्रिएटिंग अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। फिर लास्ट में कह रहे हैं डबल वैमी, मतलब दो दो तरफा प्रॉब्लम्स। कैसे? कि इंडियन हेल्थ केयर स्टोरी इज अबाउट रेगुलेटरी इन्फॉर्मिटी, रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं हेल्थ केयर में वो उसमें दिक्कत तो है ही, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक प्रोमिसेज हैं हमारे, जो सबका साथ सबका विकास है, ये इस तरीके से नहीं हो पाया है। नॉट जस्ट दिस गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैव फेल्ड इन डूइंग सो। इकोनॉमिक प्रोमिसज जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हम जो पीछे हैं, पर कैपिटा इनकम हमारा कम है, तो ये चैलेंज अभी भी बना हुआ है। फिर कह रहे हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रिगर कॉस्ट रिकवरी थ्रू रिसोर्स इंसेंटिव वे ऑफ प्रैक्टिस। हाई कॉस्ट हमेशा रहता है मेडिकल एजुकेशन में, और उसी की वजह से अच्छे जो डॉक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाते तैयार। आज भी मेडिकल की पढ़ाई आप करने किसी को बोलोगे तो 10 बार सोचता है, कितना भी टैलेंटेड लड़का होगा, क्योंकि उसे पता है पैसा बहुत लगेगा। फिर ये कह रहे हैं व्हाइल वी एंडेवर टू मेक प्राइवेट हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल, कॉशन मस्ट बी एक्सरसाइज दैट इट डज नॉट सब्स्टिट्यूट एडिक्वेट पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ। हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो ऐसा हमें इंश्योर करना है, लेकिन हमारी जो जवाबदारी है, जिम्मेदारी है,
पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी मजबूत हो, उसमें भी जो स्पेंडिंग जो शुरुआत उन्होंने की है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज करना होगा, ये उन्होंने लास्ट में कहा है। किसी भी कंट्री ने ऐसा कोई यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव नहीं किया है कि केवल प्राइवेट प्लेयर से गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है तब यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है कायम हो पाया है और लागू हो पाया है। तो इसी के साथ हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस रैपअप करते हैं। कल एक क्वेरी आई थी कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने चाहिए आपको? तो मेरा सवाल हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए भी है क्योंकि आपको लगता है ऐसा, अगर आपको लगता है कि इट विल हेल्प इन इन प्रिपरेशन और नोट टेकिंग, तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, ये माइंड में बैठ जाता है और आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं अगर आर्ट आपका, क्योंकि न्यूज़पेपर नोट मेकिंग इज़ एन आर्ट, ये अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो ये आप ज़रूर बनाएं। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स मैगजीन भी पढ़ना है, फिर कोचिंग के मटेरियल्स भी पढ़ना है, फिर स्टैटिक भी पढ़ना है पोर्शन, तो फिर ये टाइम बचता नहीं है आपके पास। आप ये जो एनालिसिस होता है इसे ही देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल बार बार आके देखें, लेकिन आपको हेल्प ज़रूर मिलती होगी इसको कहीं ना कहीं देखने से। और दूसरे भी जो इनिशिएटिव्स आते रहते हैं बीच बीच में, जैसे करंट अफेयर्स बूस्टर है, किसी टॉपिक को हम एट लेंथ डिस्कस करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। देख नहीं तो सुन तो सकते ही हैं, लेटे लेटे ही सुन लिया। तो नोट मेकिंग करना ही है अगर, तो एक्टिव रिकॉल की कोशिश करें। एक्टिव रिकॉल को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे फूड सिक्योरिटी में कोई आर्टिकल आज आया है ना, फूड सिक्योरिटी, तो ऐसा नहीं कि हम आज ही पूरा फूड सिक्योरिटी का सब कुछ जाके देख लें, किस कितने टॉपिक का आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, 81 करोड़ हो गया, कौन सी स्कीम थी, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, और फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो जो चीज़ें आज मेंशन हुई है इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में मैंने बात की है, उसके बारे में ज़रूर थोड़ा थोड़ा लिख लें, वो एक्टिव रिकॉल में मदद करेगा आपको। ठीक, PMGKAY कब लॉन्च हुई थी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के क्या प्रोविजंस है, टॉप 3-4 प्रोविजंस आपको माइंड में रटे होने चाहिए, तो वो एक्टिव रिकॉल कहलाएगा, है ना। वहीं आप बैठ के उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, बस फिर उतना छोड़ दें, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखें। फिर दूसरी न्यूज़ है जैसे प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में, ये एडिटोरियल बगल में, तो ये डेटा सबसे स्टार्टिंग में जो था, ठीक है, इतने इतने परसेंट स्पेंडिंग हो रही है, तो वो एक्टिव जो डेटा है उसको आप लिख लें। फिर उसके लास्ट में ऐसे पॉइंट जो सजेशन दिए जा रहे हैं, क्या क्या सजेशन है, कि पब्लिक हेल्थ केयर को भी इम्प्रूव करना होगा, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ही मतलब आगे आए, और प्राइवेट सेक्टर है तो उसको रेगुलेट अच्छे से करना होगा, उनका जो स्कैटर्ड वे में जो सेक्टर है उसको आप हम रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बना सकते हैं जो इनको मैनेज कर सके और कोऑर्डिनेशन बना सके। फिर कोलैबोरेशन भी इनके साथ हम कर सकते हैं, फिलेंथ्रोपिक जो इनिशिएटिव्स हैं उनको मेन स्ट्रीम किया जा सकता है। तो ये ऐसे आइडियाज़, बस ये की वर्ड्स लिखना है। द मेन मोटो ऑफ नोट मेकिंग इज की वर्ड। की वर्ड्स अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लॉन्ग रन में बहुत मदद करने वाला है। की वर्ड बनाते हुए चलें, बिल्कुल ये नहीं कि आप नोट्स बना रहे हैं तो दो दो चार चार पन्ने भर रहे हैं डेली, फिर उनको पढ़ना भी पड़ता है, रिवाइज भी करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप हैंडी नोट्स बनाएंगे, फूड सिक्योरिटी है जैसे जो भी मैंने डिस्कस किया उसके 4-5 पॉइंट इम्पॉर्टेंट, फिर आप जो करंट अफेयर मैगजीन जब दोबारा पढ़ेंगे, वो पढ़ना ही पड़ेगा, आप कितना भी वीडियोस देख लें, आपको जब आप प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की, इंपॉर्टेंट फैक्ट बार बार पढ़ने पड़ते हैं पॉइंट्स, तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है क्या स्किप करने, क्या नहीं पढ़ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन में। आप बोलेंगे नहीं वो अब कैसे, अब इतना तो अनुभव नहीं है, तो आप ये न्यूज़पेपर एनालिसिस देखें, अब 10 दिन देखें, 10 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या स्किप करता हूँ, क्यों स्किप करता हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ। न्यूज़ में भी इंटर न्यूज़ और इंट्रा न्यूज़, ये दूसरी न्यूज़ है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप वीडियो से सीख सकते हैं डेली बेसिस पे, तो ये आपका जो कंसर्न है ये भी दूर हो जाएगा।
फिर बात आती है कॉम्प्रिहेंशन स्किल की, वो सबका इतना अच्छा नहीं होता। तो ये एडिटोरियल जैसे मैंने पढ़ा अभी, इसके बारे में बता दिया आपको थोड़ा सा। तो आप, ये ऐसा एडिटोरियल है, लकीली ये ऐसा एडिटोरियल है जो एग्जाम के कॉम्प्रिहेंशन स्किल में पूछा जा सकता है। ये 3-4 पैराग्राफ दिख रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगे मुझे पढ़ने में भी और समझाने में भी। तो ये ऐसे एडिटोरियल द हिंदू के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज का ये न्यूज़पेपर एनालिसिस हम यहीं पे खत्म करते हैं, और कल फिर मिलेंगे नए एडिशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे।